हेलो गुड इवनिंग, आज 18 फरवरी है, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़। मैं हूं कैलाश। तो आज बात करेंगे बिहार के वेटनरी कॉलेज के रिसर्च फार्म से बर्ड फ्लू फैलने की खबर को लेकर। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बिहार के वेटनरी कॉलेज के रिसर्च फार्म से H5N1 हाईली इन्फेक्टेड बर्ड फ्लू फैलने का दावा किया है। राज्य के पशु एवं उत्पादन संस्थान ने इस बात की सूचना मिलने के बाद उन्हें जांच के लिए कोलकाता के केंद्रीय बीमारी प्रयोगशाला में सैंपल भेज दिया है। वहीं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च फार्म में कुल 3,859 मुर्गियां थी, जिनमें वायरस के कारण 787 मुर्गियों को मार दिया गया ताकि यह दूसरे पशु पक्षियों में ना फैले। अब आइए जानते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू है क्या। एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू एक हाईली इन्फेक्टेड वायरल बीमारी है जो कि घरेलू जंगली पशु पक्षियों को प्रभावित करती है। साथ ही यह एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में भी आसानी से प्रसार कर सकती है। आमतौर पर खाद्य उत्पाद किए जाने वाले जैसे पोल्ट्री मुर्गी या फिर बटेर टर्की बहुत आसानी से इसे प्रभावित हो जाती है। ऐसे में इंसान तक भी ये पहुंच सकता है, इसलिए मांस को खाने से पहले बहुत अच्छी तरह से इसे पकाएं ताकि ये किसी तरह इंसान के अंदर ना जाए। और इस तरह झारखंड की बड़ी और ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।